करतारपुर साहिब तक पहुंच बनाने वाले गलियारे के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत जताकर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने शरारती और गैर जिम्मेदारान रवैये का ही परिचय दिया। अगर पाकिस्तान को इस गलियारे के जरिए करतारपुर जाने वाले भारतीय श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट की अनिवार्यता बनाए रखनी थी तो फिर खुद इमरान खान ने यह घोषणा ही क्यों की कि इस दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी। सवाल यह भी है कि जब भारत ने इमरान खान के लिए इस ऐलान पर यह जानना चाहा था कि क्या पाकिस्तान करतारपुर गलियारे को लेकर हुए समझौते में कोई हेरफेर करना चाहता है तो उसने कोई जवाब देने की जहमत क्यों नहीं उठाई। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक जरूरी सवाल पर करीब एक सप्ताह तक चुप्पी साधे रहने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने यकायक जिस तरह यह घोषणा कर दी कि भारतीय श्रद्धालुओं के लिए पासपोर्ट जरूरी होगा, उससे तो यही साबित होता है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की ओर से की गई एक अहम घोषणा का कोई मूल्य महत्व नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं कि पाकिस्तान में वही होता है जैसा सेना चाहती है, लेकिन यह तो हास्यास्पद है कि वह अपने प्रधानमंत्री की घोषणा को इस तरह दरकिनार कर दे। क्या इस प्रसंग के बाद इमरान खान खुद से नजरें मिला सकेंगे? आखिर वह कैसे प्रधानमंत्री हैं कि सेना का प्रवक्ता उनके बयान को सिरे से खारिज कर देता है? इमरान खान बतौर प्रधानमंत्री अपनी अहमियत चाहे जैसे साबित करें, भारत को पाकिस्तानी सेना के इरादों को लेकर और सतर्क हो जाना चाहिए। यह मानने के पर्याय कारण हैं कि पाकिस्तान करतारपुर गलियारे का इस्तेमाल खालिस्तानी तत्वों को हवा देने के लिए करना चाह रहा है। इसका संकेत पिछले दिनों करतारपुर साहिब को लेकर पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी उस वीडियो संदेश से मिलता है जिसमें जनरल सिंह भिंडरांवाले समेत तीन खालिस्तानी आतंकियों की तस्वीरें चित्रित की गई हैं। यह उकसावे वाली हरकत है। भारत इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकता कि बीते कुछ समय से पाकिस्तान में खालिस्तानी तत्व किस तरह सक्रिय हो उठे हैं। पाकिस्तान इन तत्वों को संरक्षित करने के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को भी खाद पानी देने में जुटा हुआ है। भारतीय नेतृत्व को यह समझना होगा कि पाकिस्तान की इन ओछी हरकतों की निंदा और भर्त्सना मात्र से उसकी सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जब पाकिस्तान करतारपुर गलियारे का गलत इस्तेमाल करने की बुरी नीयत से लैस दिख रहा है, तब फिर समझदारी इसी में है कि उससे न केवल सावधान रहा जाए बल्कि उसके खुरापाती एजेंडे की काट करने वाले कदम भी उठाए जाएं।